गाइज, अगर आपने हवाई जहाज में यात्रा की होगी तो आपने ये गौर जरूर किया होगा कि एक प्लेन में दो पायलट होते हैं। ट्रेन के ड्राइवर की ही तरह प्लेन में दो पायलट बैठाने के कारण होता है उनकी सुरक्षा और सुविधाजनक यात्रा। पर क्या आप जानते हैं, प्लेन में पायलट और को पायलट को एक ही तरह का खाना नहीं दिया जाता, उन्हें हमेशा ही अलग अलग तरह का खाना दिया जाता है। इसके पीछे का जो कारण है वो काफी रोचक है, तो चलिए जानते हैं। गाइज, साल 1984 में लंदन से न्यूयॉर्क के बीच चलने वाली कॉनकॉर्ड सुपरसोनिक फ्लाइट पे चौंकाने वाली घटना घटी थी। फ्लाइट पे सवार 120 यात्री और क्रू के सभी सदस्य को गंदा खाना खाने से फूड पॉइजनिंग हो गई थी। इसके बाद उन्हें बुखार, उल्टी और डायरिया हो गया था। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक फूड पॉइजनिंग से एक शख्स की मौत भी हो गई थी और पायलट को भी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। द टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट के अनुसार एयरलाइन में साल 2009 में फूड पॉइजनिंग से 32 मामले सामने आ चुके थे, जबकि 2007 में 39 मामले सामने आए थे। और ऐसी कई घटनाएं दर्ज है जिसमें कि प्लेन का खाना खाने से लोगों को फूड पॉइजनिंग की परेशानी हो गई है। और गाइस, बस इसी समस्या से बचने के लिए अब बेहद सतर्क कदम उठाया जाता है। पायलट और को पायलट को अलग अलग खाना खिलाया जाता है, जिसमें कि अगर फूड पॉइजनिंग की नौबत भी आए तो दोनों में से एक पायलट सुरक्षित रहे। गाइस, 2012 में CNN द्वारा किए गए कोरियन पायलट के इंटरव्यू में इस बात का खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक उसने बताया था कि दोनों को फूड पॉइजनिंग से बचाने के लिए अलग अलग खाना दिया जाता है। गाइस, आमतौर पर पायलट को फर्स्ट क्लास खाना दिया जाता है और को पायलट को बिजनेस क्लास खाना दिया जाता है। कई एयरलाइंस कॉकपिट के क्रू के लिए पूरी तरह से अलग खाना बनाती है और पायलट को अलग से उनका खाना एयरलाइन की तरफ से दिया जाता है, जो कि यात्रियों के खाने से काफी अलग और सादा होता है। तो गाइस, इसी कारण पायलट और को पायलट को अलग अलग खाना दिया जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सी हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय।